बेटे स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? मैम यस मैम। चलो बेटा आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रेक लिया है हैकअप से, थोड़ा सा टॉपिक हम लोगों ने चेंज कर लिया। ठीक है, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अबाउट डिजीजेस। ठीक है, वही वाली डिजीज है जिसके ऊपर आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में टॉक्सिकोलॉजी में असाइनमेंट बनाई थी। ठीक है, कंपाइलोबैक्टर और नोरोवायरस वगैरह। ठीक है, उसी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है हमारे पास। थोड़ा सा हम लोग इसके रूट्स वगैरह पढ़ेंगे, वही बेसिक बातें हमारे पास। ठीक है, जी जी आ रही है। लेवल टू ट्रेनिंग में ही आएगा आपके पास, बट इसके अंदर हम लोग कोई हैकअप का सिस्टम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आएगा ये आता ट्रेनिंग के अंदर है, बट इसके अंदर हम लोग कोई मतलब हैकअप की, जैसे हमने प्रीरिक्विजिट और स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़े थे, वो वाली बातें इसमें नहीं होंगी। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर का हमारे पास क्या है? टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस एंड टू आउटलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन फूड डिजीज। ठीक है, क्या करना है हम लोगों ने, जो कॉमन कुछ हमारे पास डिजीजेस है जैसे डायरिया वगैरह है, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन है, और अभी आप लोगों को पता है भी फर्दर ये मिड जून से इसका सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो उसकी कॉजेज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसके आउटकम्स क्या है? ठीक है, एंड ऑफ द लेक्चर में क्या होगा आपके पास, आपको पता होगा हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड टू कॉज अ प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का पता चल जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन कौन सा है? पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन, आपको आपने देखा होगा, मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो फूड बॉर्न डिजीज होती है वो आपके पास डायरिया ही होता है। ठीक है, नो विच बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई सिग्निफिकेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी आपके पास? ठीक है, एंड स्टेट वाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, फूड बॉर्न डिजीजेस फीकल और रूट होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, या तो वो फीकल या और रूट से आपके पास आ सकती है। ठीक है, फीकल रूट से कैसे आ सकती है? कंटेमिनेटेड वाटर से, जो वॉशरूम्स वगैरह के जो आपके पास सीवेज का पानी होता है वो निकल जाता है बाहर, या तो वो इस तरह होता है कि किसी जो आपके पास पाइपलाइंस होती है, वाटर पाइपलाइंस, ठीक है, जिससे आपके घरों का पानी आता है उसके साथ मिक्स हो जाए, ठीक है, उसमें सीपेज कर जाए, उसमें सीप आउट कर जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि वो कंटेमिनेटेड वाटर से ये जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के फील्ड्स वगैरह होते हैं, खेत होते हैं या बाग वगैरह होते हैं, उनको उधर से पानी जा रहा होता है, तो क्या करते हैं वो फिर फूड के अंदर जाके, हो सकता है कुछ ऐसे माइक्रोब्स हो जो फूड के अंदर जाके आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ऑरल रूट में आ जाएगा आपके पास ट्यूबरकुलोसिस वगैरह आ जाएगा। ठीक है, जो कि प्लेट शेयर करने से या टॉवल शेयर करने से या ग्लास शेयर करने से आपके पास ये वाली डिजीज हो सकती है। इस तरह हेपेटाइटिस है, उसके फीकल ऑरल रूट होते हैं। ठीक है, वो फीकल रूट के थ्रू भी होते हैं और ऑरल रूट के थ्रू भी होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉजेज के हमारे पास वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉजेज यही है आपके पास कि आप अपना हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे, आप अपनी जो वाटर की सीवेज सिस्टम वगैरह है उसको नहीं देख रहे। इसके अलावा जहाँ पे आबादी ज्यादा है वहां पर अगर पानी खड़ा हो, जैसे अभी कल रात को बारिश हुई है तो अभी आप लाहौर में जगह जगह पानी खड़ा होगा, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि आजकल समर्स का सीजन है, मॉस्किटोज की रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी, वहीं पे उसका पूरा साइकिल चलेगा और फिर क्या होगा, उसकी वजह से मलेरिया और डेंगू इस तरह की डिजीज आने का आपके पास खतरा है। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या करना है कि अगर हम अपनी कम्युनिटी से स्टार्ट ले सकते हैं, पूरा लाहौर तो आप सेट नहीं कर सकते, पर क्या है कि आप अपनी कम्युनिटी के अंदर इस तरह से आप कहीं देखें कहीं पर पानी खड़ा है या कुछ है तो उसको आप साफ करवा लें या उसके अंदर मट्टी वगैरह डाल के उसको डंप करवा लें, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, फूड बॉर्न डिजीजेस फीकल और रूट्स जो होती है हमारे पास कंपाइलोबैक्टर एंट्राइटिस है। ठीक है, कंपाइलोबैक्टर एंट्राइटिस नाम से पता चल रहा है कि इसमें आपके पास स्वेलिंग होगी जीआईटी ट्रैक के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ईकोलाई 0157 जिसके एक आप कह सकते हैं ये तो बड़ा भी लोकल स्पेसिमेन आपके पास हो गया। ठीक है, ये वाला नोरोवायरस भी आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता है। लिस्टेरिया भी आपको पता है मोस्ट कॉमनली एग्स की वजह से होता है, बट इसके और कॉजेज भी हैं। ठीक है, फिर टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, अभी टाइफाइड का भी सीजन आपके पास आ रहा है, जैसे जैसे गर्मियां होंगी ये सारी जितनी भी आपके पास इन्फेक्शन है ये आपके पास कॉमन होती जाएंगी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखें ना जितने भी आपके पास फूड बॉर्न या फूड रिलेटेड डिजीजेज है वो समर्स में जो पीक सीजन है जून से लेकर अगस्त मिड तक आपके पास इस सीजन में बहुत ज्यादा ये वाले डिजीजेज आएंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस ए हो गया, बाइसिली डाइसेंट्री हो गई, ठीक है, ब्रुसेलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पैरासाइट्स के अलावा और भी जितने भी पैरासिटिक आपके पास जो डिजीज है। ठीक है, मतलब डिजीज आपके पास आ रही है, पर आजकल मसला क्या है कि आजकल कोविड ने इतनी वो कैओस मचाया हुआ है कि लोगों को इन डिजीज की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। हालांकि आजकल कॉमन है, डायरिया बड़ा कॉमन है छोटे बच्चों में आजकल,
जो आपके पास 3 से लेकर 8 साल के बच्चे आ रहे हैं वो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा डायरिया केसेस और फूड बॉर्न फूड पॉइजनिंग केसेस के साथ आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। जनरल मैकेनिज्म क्या है आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, इजी से हमारा आज का लेक्चर है। जनरल मैकेनिज्म हमारे पास यही कि जो फीसिस होते हैं वो कहाँ जाते हैं आपके पास, वो फ्लूइड्स के अंदर चले जाते हैं या फिंगर से अगर हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, बाकायदा कंप्लेन चलती है इस पे हर साल, ठीक है, वो फील्ड्स के थ्रू या फिर वो फ्लाइज के थ्रू जो होता है वो आपके पास फूड के पास किसी न किसी रूट या चैनल को फॉलो करते हैं, पानी से भी आ सकते हैं, इन चैनल से भी आ सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जर्म्स आते हैं और वो अपने न्यू होस्ट को ढूंढते हैं, ठीक है। वो न्यू होस्ट मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे होते हैं, जो छोटे 3 से 8 साल के बच्चे, वो वाले बच्चे होते हैं जिनको इतनी 8 साल के बच्चों को तो फिर भी सेंस होती है, 3 से 6 तक के जो बच्चे होते हैं उनमें तो बिल्कुल सेंस नहीं होती, वो तो कोई भी चीज मुंह में डाल लेंगे अगर वो अपनी भी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, ठीक है। बट जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, अगर कोई चीज नीचे गिरती है तो उसको बगैर साफ किए मुंह के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ईटेबल चीजें नहीं भी होती उनको भी वो बच्चे, छोटे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि क्लिप्स भी मुंह में डाल रहे होंगे, पेपर भी मुंह के अंदर डाल रहे होते, तो इस वजह से इस तरह के जर्म्स फैल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा सा और देखें, एक और है क्या जो हम लोग नहीं करते थे, छोटी स्लाइड के अंदर जो ऊपर से छोटी सी स्क्वायर है, जो अंकल है जो वॉशरूम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, इट्स ओके आई हैव गेट सम डायरिया, ठीक है, इट्स नॉट ओके। डायरिया हम लोग बड़ा ही लाइटली लेते हैं, बट डायरिया जो आपके पास है ये भी आपके पास फीकल रूट से बड़े आराम से फैल जाता है अगर आप सेम वॉशरूम यूज कर रहे हो। अगर तो लेट्स सपोज कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, ठीक है, कि घर के अंदर एक ही वॉशरूम है, ठीक है, या फिर कुछ और इशू है, ठीक है, आपने करना क्या, अगर वो डायरिया पेशेंट वॉशरूम यूज भी कर रहे तो उसको आपने प्रॉपरली फिर नेक्स्ट लोगों के लिए सैनिटाइज करके रखना होता है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, इसके इतने स्ट्रॉन्ग जर्म्स होते हैं, कभी कभार इतना स्ट्रॉन्ग डायरिया होता है, इतना पावरफुल डायरिया होता है कि वो एयर बॉर्न भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। बेशक वो जो बंदा था उसने सही तरीके से फ्लश आउट किया है, बट स्टिल उसके जो जर्म्स है वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बाद जाने वाले वॉशरूम यूज करने वाले बंदे को हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होता है कि दूसरी हमारे पास क्या रूट हो सकती है, जो सिस्ट वगैरह जो होते हैं, कोई भी ऐसे जो मतलब आप स्पोर्स, आपको याद होगा 9th-10th की बारे में पढ़ा था, जो ब्रेड के ऊपर स्पोर्स बन जाते हैं, इनकी भी वही मिसाल होती है। सिस्ट, ये स्पोर्स जो होते हैं वो वाटर या वेजिटेबल्स के थ्रू या किसी बंदे के हाथ से लग के, स्पेशली वो गर्ल्स जिन्होंने थोड़े लंबे नाखून रखे होते हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा, या फिर वैसे भी नेल्स जो होते हैं ना, नेल्स के अंदर पता नहीं कितने करोड़ों बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, आपके पास, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकती है। वो होता है क्या, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा, इन्फेक्टेड सिस्ट जो है या फिर जो नॉर्मल सिस्ट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा, वो उसकी बॉडी के अंदर जाके उसको भी होस्ट बना लेगा, ठीक है। उसको होस्ट बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर कुछ दिन रहेगा और फिर उसके स्टूल के थ्रू एंड इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेप्टोजॉइट्स, ठीक है, ट्रेप्टोजॉइट इज अ फॉर्म ऑफ अ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके पास है, ठीक है, उनकी फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। फिर ट्रेप्टोजॉइट क्या करेगा, ट्रेप्टोजॉइट बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, उसकी मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद गैडिया हो जाएगा, ठीक है। गैडिया क्या है, गैडिया बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, गैडिया की वजह से होता है गैडियासिस, ठीक है। गैडियासिस आपके पास एक डिजीज है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन फैल जाती है और फिर वो लूज स्टूल्स और ब्लडी या म्यूकस से फुल स्टूल्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इटियोलॉजी की क्या है, इटियोलॉजी आपके पास होती है किसी भी डिजीज की, जो आप कह सकते हैं कि जहां से वो ओरिजिनेट होते हैं, इटियोलॉजी की क्या हो सकती है, फीकल ऑरल वे है, इन्फेक्शियस एनिमल, ठीक है, हो सकता है कोई, क्योंकि मोस्टली जो आप देखें ना गांव देहात की तरफ जो जिन लोगों ने छोटे पैमाने पे गाय भैंसे रखी होती है वो उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, ठीक है। सो इट इज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस के वो उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते होते, उसकी इसी तरह बगैर धोए और बगैर सफाई सुथराई की मिल्किंग कर देते होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इन्फेक्शन आ सकता है, ठीक है, वो इन्फेक्शन एनिमल की तरफ से, क्योंकि बीच में जो देखे एक बच्चा बना हुआ है और एक इन्फेक्शन की कॉल जो है वो इन्फेक्टेड एनिमल है, दूसरी इन्फेक्शन की कॉल है जो इसी तरह ओपन एरिया में वॉशरूम वगैरह का यूजेज जो है गांव वगैरह में बहुत कॉमन है, ठीक है। हमारे यहाँ इतना नहीं, अगर आप इंडिया की मिसाल उठाकर देखें तो इंडिया में अभी तक वॉशरूम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना कॉमन नहीं है, तो इंडिया में इसी वजह से इंडिया में ये इस तरह के वायरसेस तरह ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये दोनों इन्फेक्शन कहाँ जा सकते हैं, एनिमल से फूड के अंदर आ सकता है, कैसे, थ्रू मिल्क और थ्रू मीट, ठीक है। ह्यूमन का क्या है, अगर वो लेट्स सपोज वो अगर इसी तरह ओपन एयर में वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो वहां पे अगर इर्द गिर्द करीब पानी है या खेत है तो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन, जिन छोटे बच्चे, ओल्ड एज के बच्चे, यंग में फिर भी थोड़ा सा ये होता है कि हम लोग की इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा होती है, कम उम्र बच्चे और एजड जो हमारे
बुजुर्ग अफराद होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको ऊपर ये चीजें जो ज्यादा जल्दी जाके असर कर लेती हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने और क्या देखना है, इसमें हमारे पास सीवेज वाटर टू फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया था कि गंदा पानी सब्जियों फ्रूट्स के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है उनके उगाने के लिए, उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, जो डेली बेसिस पे अक्सर गांव वगैरह में इस तरह होता है, वहीं सेपेज का पानी आ रहा होता है, वहीं सीवेज का पानी आ रहा होता है, उसी के वो अजीब सी वो नालियां टाइप की उन्होंने बनाई होती है, वो खेतों के अंदर छोड़ देते हैं। इफ आप लोगों में से किसी ने गांव विजिट किया है या कोई गांव का है तो उनको पता होगा, ठीक है, उससे चला जाता है तो उससे एक तो उससे स्किन डिजीज बहुत फैलती है, ठीक है, स्किन भी फैलती है, ठीक है, जीआईटी के साथ साथ स्किन इन्फेक्शन भी होती है, फंगस वगैरह के पेरेंट्स, अगर कोई किसी का वहां से गुजर वगैरह होता है, ठीक है, तो उनको फंगस वगैरह भी हो सकते हैं, स्लीट फुट इस तरह की बीमारी। इसके अलावा फिर जो जीआईटी ट्रैक के मोस्ट कॉमनली आपको डायरिया हो सकता है, इसके अलावा डायसेंट्री हो सकती है, ठीक है, तो ये इन्हीं वजह से है, ठीक है। सो दीज आर द कॉजेज, किन कॉजेज की वजह से आपके पास फूड बॉर्न इलनेसेस हो सकती है, ठीक है। अब हम नंबर वन पे आ जाएंगे, कंपाइलोबैक्टर एंटेराइटिस, ठीक है। कंपाइलोबैक्टर एंटेराइटिस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जहां पे आपके पास टाइटस आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी डिजीज हम पढ़ रहे हैं इसमें वो इंट्राइटस है, तो मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया। इसके ऊपर गैस्ट्राइटस होता तो स्टमक की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन की डिजीज होती है आपके पास, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है आपके पास और इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ठीक है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया कि इंट्राइटस का मतलब होता है स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका आपके पास जो है ना वो 1 से 11, और यूजली स्टे आपके पास 2 से 5 दिन करते हैं, इंक्यूबेशन भी आपके पास हफ्ता 7 दिन, जितने भी आपके पास बैक्टीरिया है ना 7 से 14 दिन उनका इंक्यूबेशन टाइम होता है, हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर आपकी जो सीवियर वाली तबियत खराब होती है। अदरवाइज आपके पास कॉमन प्रैक्टिस है ना फूड पॉइजनिंग, वो इस तरह होता है अभी खाया और 2 घंटे बाद तबियत खराब हो जाती है, ठीक है। Period between exposure to the infect and appearance of the first symptom, ठीक है, depend upon the type of the bacteria. बहुत अगर strong bacteria होता है तो उसकी resistance level थोड़ी ज्यादा होती है और वो थोड़ी ज्यादा time के अंदर खुद को expose करता है, rather than ये जो कमजोर वाले जो common आपके पास जो germs या जरासीम है, ठीक है। 1 to 11 days इसका incubation time है, usually it will लास्ट इन 2 to 5 डेज के अंदर भी शो कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस आपके पास 1 से 7 दिन होती है, 7 दिन इन सीवियर केसेस होती है आपके पास, ठीक है, वो जब लोग हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, अदरवाइज 1 दिन या 2 दिन या कभी कभार इस तरह होता है 24 आवर्स या 12 घंटे के अंदर भी आपकी तबियत बिल्कुल ठीक हो जाती है, डिपेंड अपॉन यू योर इम्यूनिटी एंड द डोजेज यू टेक, ठीक है, दवाई पे भी डिपेंड करते हैं। कुछ लोग दवाई के चोर होते हैं, दवाई नहीं खाते, और कुछ लोग इस तरह दवाई जल्दी खा लेते तो उनके जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स इसकी वही सिम्टम्स है, आप लोगों को पता होगा, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है, डायरिया में अगर डायरिया सिवियर हो तो म्यूकस भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है उसके अंदर, ठीक है, बट डायरिया में मोस्ट कॉमनली ब्लड आता है, डायसेंट्री में म्यूकस और ब्लड का मिक्सचर आता है आपके पास, ठीक है। वॉमिटिंग रेयर है, वॉमिटिंग कभी कभार होती है अगर आपने वाकई में कुछ जर्म्स ना गए और अगर आपने वाकई में कोई खराब खाना खा लिया, ठीक है, तो उसमें फिर वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं, ठीक है। बुखार हो सकता है तकलीफ की वजह से, डायरिया के साथ जो बुखार है वो रिलेटेड नहीं है, वो जो डायरिया की तकलीफ की वजह से बुखार होते हैं, ठीक है। नॉजी और हेडेक हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है। कंपाइलोबैक्टर एंटेराइटिस में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया जो है, जो बीमारियां जिसकी वजह से ज्यादा फैलती है, एक तो कंपाइलोबैक्टर जिजिनाए 90% जो डायरियल केसेस होते हैं वो इसकी वजह से आते हैं, ठीक है। कंपाइलोबैक्टर जे याद करके रखें, 90% बीमारियां इससे फैलती हैं, बाकी की जो 10% है वो कंपाइलोबैक्टर कोलाई से 10% है, ठीक है। ग्रोथ रेंज इनकी होती है टेम्परेचर 28 to 46 आजकल आइडियल टेम्परेचर है इनके लिए, ठीक है। अदर कैरेक्टरिस्टिक ये कि ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरे पास लंच है तो व्हाट विल आई डू, मैम ठंडी जगह पे रखेंगे,
हाँ ठंडी जगह पे रखेंगे, और सेकेंडली हम उसको अच्छे तरीके से पैक करके रखेंगे, मींस लाइक उसके अंदर, ताकि कोई इंट्रूडर ना जा सके. सिर्फ टेम्परेचर इज नॉट अफेक्टेड, इंट्रूडर इज आल्सो अफेक्टेड. ठीक हो गया, वेरी गुड. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिड्यूस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. ठीक है, जितना कम ऑक्सीजन होता है उतनी ज्यादा इनकी ग्रोथ अच्छी होती है. ठीक है, तो आपने किसी एरी जगह में रख देना है. ठीक है, वो जिस किस बच्चे ने ये पॉइंट बोला था बीच में, ये ठंडी जगह पे रख देंगे. ठीक है, देयर आर नो लॉन्गर लॉन्ग टर्म कैरियर्स. ठीक है, लॉन्ग टर्म कैरियर्स ये नहीं होते, बट दे मल्टीप्लाई क्विकली बिटवीन 37 एंड 46 डिग्री, बट नॉट बिलो 28. ठीक है, बिलो 28 की मतलब, जैसे अभी हमारे पास ये महीने तो दो गर्म ही गुजरे हैं, बट इससे पहले रमजान से पहले वाले महीने में टेम्परेचर इतना हाई नहीं था, उन दिनों आपके पास इतनी स्पॉइलेज नहीं हो रही. बट आज आप, अगर आज आप देखें ना, अगर सुबह आपको चीज बना के रख लो 3 घंटे या 2 घंटे बाद भी जाए, तो स्लाइमी होना आपके पास शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आज का बहुत ज्यादा हाई हुआ है. ठीक है, कल से तो खैर फिर बेहतर हो गया, बट आज सुबह 38 टेम्परेचर था हमारे पास. ठीक है, इजिली किल्ड बाय कुकिंग. कुकिंग से हम इसको किल कर सकते हैं. लेट्स सपोज किसी वजह से बिजली नहीं है, या आपके पास फ्रिज नहीं है और आपके पास मीट है, तो आपने क्या करना है, आपने हाई टेम्परेचर पे मीट को कुक करना है विदाउट एनी ऑयल वगैरह. ठीक है, हाई टेम्परेचर पे उसको कुक कर लेना है. ठीक है, तो कुकिंग क्या है, इजी वे है टू किल देम. नोटेबली 5 ऑर्गेनिज्म कॉज इलनेस वर्सेस अदर फूड बैक्टीरिया. ठीक है, 5 ऑर्गेनिज्म जो है वो इलनेस कॉज करते हैं अदर देन फूड बॉर्न बैक्टीरिया. ठीक है, फूड बॉर्न बैक्टीरिया कौन से, शिगेला है, कंपाइलोबैक्टर है, पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़े हुए थे. ठीक है, सोर्सेस क्या है हमारे पास, एनिमल्स एंड बर्ड्स हो सकती हैं. ठीक है, इन्फेक्टेड कैट एंड डॉग्स. ठीक है, हॉस्टल वाले बच्चों को पता होगा बिल्लियां अबारा खेल रही होती हैं यूएमटी के इर्द गिर्द आपके पास. ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, कभी कभार हम लोग कहते हैं बर्ड एलर्जी है, बट जरूरी नहीं है हमेशा बर्ड एलर्जी हो. बर्ड्स का ये है कि आई विल टेक माई एग्जाम्पल. ठीक है, मुझे बर्ड से एलर्जी नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर मेरा बर्ड्स के साथ ज्यादा एक्सपोजर हो जाए तो मुझे वॉमिटिंग और नाजिया ये वाली सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है. ठीक है, पर्सन टू पर्सन में वेरी करता है, बट कॉमनली ये है कि बर्ड्स के अंदर कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि वो फीडर्स होते हैं उनके ऊपर, तो उसके अंदर छुपे हुए होते हैं बैक्टीरिया के अलावा कुछ माइट्स वगैरह भी होते हैं, तो वो भी आपको एलर्जन टाइप की वो जो सिचुएशन है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, क्रॉस कंटेमिनेशन फ्रॉम रॉ पोल्ट्री. ठीक है, इसके ऊपर भी टॉक्सिकोलॉजी में याद है कि अगर आप रॉ पोल्ट्री को किसी और चीज के साथ रखेंगे तो वो किस तरीके से क्रॉस कंटेमिनेशन होगी. जब किसी एक चीज की वायरस हैंडलिंग के ड्यूरिंग या साथ करीब रखने की वजह से जब आपके पास जरासीम एक से दूसरी चीज के अंदर जाते हैं तो क्रॉस कंटेमिनेशन बोलते हैं. ठीक है, कच्चा दूध जो होता है, रॉ मिल्क. ठीक है, वो एक जो आपके पास है ना, गुड हैबिटेट है फॉर बैक्टीरिया. ठीक है, इसलिए जब आपने देखा होगा घरों में दूध जैसे आता है, आपकी अम्मी की प्रेफरेंस होती है कि जल्दी से जल्दी इसको बॉइल कर दे. ठीक है, अनट्रीटेड नेचुरल वाटर, नॉन क्लोरिनेटेड, बट इट डिपेंड अपॉन द एरिया. ठीक है, हम हर जगह का पानी जो है ना, अब जैसे अब अगर मैं घर पे हूँ तो मैं जरूरी नहीं है मैं पानी बॉइल करके पीऊँ या कुछ उसके ऊपर क्लोरीन वगैरह डाल के पीऊँ. ठीक है, मेरे एरिया का पानी सेफ है. ठीक है, अब जब लाहौर में इधर मैं यूएमटी रह रही हूँ, यूएमटी के करीब रह रही हूँ, तो मेरा ये इशू है कि यहाँ पे पानी साफ नहीं है, तो मुझे पानी जो है वो मंगवाना पड़ता है नेस्ले का. ठीक है, सो इट डिपेंड अपॉन द एरिया. हाउ टू कंट्रोल फैक्टर्स ऑफ कंपाइलोबैक्टर. ठीक है, वो हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हम बेटर हाइजीन रखें स्लांटर हाउस. ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनिमल्स की वजह से बहुत सोर्स है, और भी गर्मियों का सीजन है, इस सीजन में बहुत ज्यादा ये वाले इश्यूज आते हैं आपके पास. ठीक है, स्पेशली ग्राउंड मीट के अंदर. ठीक है, ये आपके पास ज्यादा मसला आता है, तो हमने क्या करना है, हम जहाँ पे स्लांटरिंग हो रही है उसकी सैनिटेशन करें, उस जगह को साफ रखें. ठीक है, मिल्क है तो मिल्क को बॉयल करें. ठीक है, लेट सपोज अगर हमने अभी शाम को बॉयल किया और कल सुबह अगर हम यूज करें, बट हमारे माइंड में थोड़ा सा है कि रात को 1-2 घंटा के लिए बिजली गई थी, फ्रिज बंद हो गया था, तो उसका बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप सुबह उठ के दोबारा से एक बार उसको उबाल लें. ठीक है, अगर वो खराब होते तब भी आपको पता चल जाता है, अदरवाइज फायदा यही होता है कि उसमें से माइक्रोब्स किल हो जाते. ठीक है, कुकिंग आप जितनी भी करें इस सीजन में थोड़ी कच्ची पक्की कुकिंग से बचें और 75 डिग्रीज आउटर टेम्परेचर पे कुकिंग करें. ठीक है, बेटर हाइजीन अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर. ठीक है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे आजकल आप देख लें यूएमटी में तकरीबन एक दिन छोड़ के एसओपीस की आपको वो आ रही होती है, एसओपीस फॉलो करें, वैक्सीन करवाएं, एसओपीस फॉलो करें, वैक्सीन करवाएं, तो आप इस तरह से जो आपके कंज्यूमर है या जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आपने अवेयरनेस देनी होती है. ठीक है, रिड्यूस क्रॉस कंटेमिनेशन आपके हाथ में, जितना हो सके क्रॉस कंटेमिनेशन को आप लोग कम करें. ठीक है, इसके अलावा वाटर में क्लोरिनेशन करें. ठीक है, उसकी टैबलेट्स होती है वो पानी के अंदर डालें. अगर क्लोरिनेशन नहीं करनी, आप उसका टेस्ट नहीं पसंद, तो आप सिंपली बॉइलिंग कर सकते हो 100 डिग्रीज पे.
अच्छा, इकोलाई क्या है? 1 to 8 days इंक्यूबेशन टाइम है इसका, 3 से 4 दिन के अंदर अगर वक्त पे टाइमली दवाइयां ली जाएं और अगर मैनेजमेंट कर ली जाए पेशेंट की, तो पेशेंट ठीक हो सकता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स थोड़े से ऐसे चेंज है कि इसमें वाटरी टू ब्राइट रेड ब्लडी डायरिया होता है। ठीक है, सिर्फ ब्लड आता है और टेक्सचर चेंज होता है, वाटरी टाइप का होता है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन इसमें के अंदर भी है। ठीक है, क्योंकि ब्लड आपका हो रहा एक्सक्रीट हो रहा होता है, नॉजिया होता है और सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, एक तो डायरिया के अंदर वैसे दर्द होता है, एक वो जो कहते हैं ना वो एक शार्प से मरोड़ पेट के अंदर उठते हैं, तो एक कलाई का ये डिफरेंस है कि इसके अंदर कुछ देर बाद एक अजीब से मरोड़ पेट के अंदर उठता है। ठीक है, कॉज सीरियस इलनेस इन ओल्ड एंड यंग एज, ओल्ड एज में भी डेथ होने के चांसेस होते हैं यंग एज में, क्योंकि इन दिनों में आपकी बॉडी के अंदर इतनी वो क्या कहते होते हैं एनर्जी नहीं होती, और जब इतना वाटर और ब्लड आपकी बॉडी से जा रहा होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है, आपकी बॉडी के जो नमकियात वगैरह होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो इसके लिए करना ये होता है कि साथ साथ जो भी वो ग्लूकोज वाटर या जो नींबू पानी होता है, ठीक है, या जो निमकोल वगैरह होता है, ठीक है, उसकी यूजेज करते रहने चाहिए पेशेंट के लिए। ठीक है, ऑफन फैटल, ठीक है, छोटे बच्चों में जो कि महीने 3 महीने या कुछ दिनों के होते हैं उनके अंदर, या बहुत ओल्ड एज 85+ के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये फैटल हो सकते हैं। ठीक है, सीरियस केसेस क्या है? शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ड्यू टू ऑर्गन डैमेज। ऑर्गन डैमेज कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर इसी तरह कंटिन्यूसली अगर आप देखें ना कुछ, मतलब मेरे सामने जो, क्योंकि मैं पीडीज डिपार्टमेंट में थी, बच्चों के डिपार्टमेंट में, तो उसमें होता है कि छोटे बच्चे आते थे और जब कंटिन्यूसली इस तरह से उनकी बॉडी से ड्रेनेज हो रही होती है, या ओल्ड एज में कभी कभार ड्यूटी आपकी लग जाती है, तो आपको पता चल जाएगा उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी बॉडी से लूज होने की वजह से कभी कभार ये होता है कि किडनी फेल हो जाती है, बट वो बहुत रेयर है। ठीक है, कॉमन क्या होता है, आपके जो मसल्स हैं ना वो लूज हो जाते हैं, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन के, और वो मसल्स जब काम करना छोड़ देते हैं तो फिर वो कहते हैं वो एक डायरेक्ट सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है। मोस्टली ये वाली जो इशू होता है ये ओल्ड एज में ज्यादा होता है बनिस्बत बच्चों के, बच्चे सिर्फ तकलीफ से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या, अप टू 30% कॉज क्या है हमारे पास, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर HUCS के अंदर होता है ये कि जो आपकी किडनीज की स्मॉल वेन्स होती हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो जो आपके पास यूरिन होता है उसके अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्लिनिकल सिंड्रोम है, आपके पास करेक्टराइज होता है आपके पास प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर से, अगर टाइमली इसको भी मैनेजमेंट के सपोर्ट ना ली जाए तो इसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। ठीक है, रीनल फेलियर इज एसोसिएटेड विद द माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो माइक्रो एंजियोपैथिक छोटी वाली जो वेन्स है ऊपर मैंने बता दिया, वो डैमेज हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, फिर वो कट ऑफ हो जाती है, जैसे वो कट ऑफ होती है किडनीज फेल हो जाती है, तो ब्लड भी जा रहा होता है बॉडी से और किडनीज भी फेल हो जाती है आपके पास। ठीक है, ग्रोथ रेंज इसकी होती है 3 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक आपके पास होते हैं, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री जो आजकल का टेम्परेचर चल रहा है उसके अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो इजीली हो जाती है आपके पास। ठीक है, ओवरऑल 6 to 9% होता है आपके पास, आउटब्रेक इसका 30% है, मोर्टिलिटी रेट इसका 5.7 है। ठीक है, डायरिया होते 6 डेज तक, अगर डायरिया रहता है तो आपके पास फिर ये हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है आपकी किडनीज की छोटी वेन्स डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, ये वही चीज है। ठीक है, वही चीज इधर दोबारा आ गई आपके पास। होता है इसमें क्या है कि शीगे लाइक टॉक्सिन होता है, वेरोटॉक्सिन एक काइंड ऑफ टॉक्सिन है, वो बॉडी के अंदर रिलीज होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पेन होता है, पेन के साथ ब्लडी डायरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है। इसकी हाइट ये है डेंजरस होने की, इसके अंदर सीजर्स होता है, जिस चीज के अंदर सीजर्स ये फिट होना शुरू हो जाते हैं तो क्या करते हैं वो आपके न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर देते होते हैं। ठीक है, मतलब वो ओवरऑल आपकी लिम्स वगैरह को भी अफेक्ट करना शुरू कर देते होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी हम लोग कैसे कर सकते हैं, मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, जैसे कैंसर पेशेंट के लिए क्या होता है, दवाई से ज्यादा सपोर्ट की और केयर की जरूरत होती है, सेम विल गो फॉर इट। ठीक है, इसके अलावा डायलिसिस हो सकती है अगर कोई चांसेस हो। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स की कोई जरूरत नहीं होती और VIG और इस तरह की दवाइयों वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं होती। सो मेनली इसका क्या होता है, आपने अपने पेशेंट को मेंटली स्ट्रांग रखना होता है इसमें, बिल्कुल कैंसर के पेशेंट्स की तरह। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हमारे पास क्या होता है, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, हेमोग्लोबिन का लेवल और जो हेप्टोग्लोबिन का लेवल है वो नीचे आ जाता है और जो LDH होता है उसका लेवल ऊपर चला जाता है। ठीक है, इस तरह अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाला आपके पास अगर हो जाए, क्या कहते हैं उसको, एनेमिया,
तो उसके अंदर कुछ इस तरह की फाइंडिंग्स होंगी, ठीक है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर एक्टिविटीज, ये पूरा टेस्ट है आपके पास, इसको आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि याद तो आप लोगों ने करना ही नहीं है ये। सोर्सेज ऑफ इकोलाई क्या है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ इकोलाई हमारे पास है कैट एंड कैटल एंड शीप है, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या था, डॉग्स एंड बर्ड्स का थोड़ा सा हमने पढ़ा था, यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कैटल एंड शीप है उनके इंटेस्टाइन में से, ठीक है। ये भी एक कॉमन चीज है, ये भी आपके दिमाग में होगी, याद होगी आपके पास, कि इस तरह की जो आपके पास बैक्टीरियाज होते हैं वेयर दे स्टे, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टे करते हैं और वो एनिमल्स के अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टे करते, इनका फीकल रूट होता है, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन ऑफ पीपल के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। पर्सन टू पर्सन आपके पास जो है वो वेरी करते हैं आपके पास, ठीक है। और क्या कॉजेस हो सकती है, वाटर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग अनट्रीटेड वाटर, ठीक है। नहाने से भी हो सकता है, क्योंकि नहाते हुए क्या होता है, नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू कभी कभार पानी अंदर चला जाता है, ठीक है। अंडर कुक मीट बर्गर, ठीक है, जो स्टेक्स वगैरह बर्गर वगैरह आजकल जो आपके पास है, आपने कभी आजकल कभी देखे आप बर्गर खा के देखे तो वो अक्सर कच्चा अंदर से निकलता है आपके पास, ठीक है। रॉ मिल्क हो गया, चीज जो है अनपेस्चराइज चीज जो आपके पास है, जिस चीज की सही तरीके से ट्रीटिंग या पेस्चराइजेशन नहीं हुई होती उसकी वजह से हो सकता है। एप्पल जूस, क्योंकि एप्पल के अंदर एंजाइमेटिक चेंजेस बहुत जल्दी आती है उस वजह से। उसके अलावा सैलड वेजिटेबल्स, क्योंकि वो कच्ची वेजिटेबल्स होती हैं, उनकी इतनी अच्छी तरीके से सफाई नहीं हुई होती, क्योंकि इकोलाई आपके पास कुकिंग से किल होता है। और इन दिनों में थोड़ा सा ये जो इन दिनों में आपने देखा, वैसे आप क्यूकम्बर खा रहे होते हो आपको कुछ नहीं होता, पर इन दिनों में अगर आप क्यूकम्बर खा रहे हो तो वो भी कभी कभार फूड पॉइजनिंग माइनर से करती है पर कर देती है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा इसकी भी सेम चीजें हैं, सेम प्रिवेंशन है, अपने क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकना है, कुकिंग प्रॉपरली करनी है आप लोगों ने, अपनी हाइजीन को क्लियर रखना है, ठीक है। इसके अलावा सेग्रीगेशन करनी है, अलहदा करके रखना है कच्ची चीजों को जो दूसरी चीजें हैं, मतलब फिश और अगर मिल्क है तो उनको सेपरेट सेपरेट रख देना है, ठीक है। जो हैंडलर्स हैं, अगर कमर्शियल लेवल पे हम लोग बात करें तो हमें उनको क्या करना चाहिए, हमें उनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। उनको हमें बताना चाहिए किस तरीके से हैंडल करना है उन्होंने चीजों को, मतलब लेट सपोज अगर कोई बल्क में रॉ मटेरियल सप्लायर से आता है तो आपने हाथ धो के ग्लव्स पहन के अपनी बॉडी को कवर करके वो चीजें जो है वो रिसीव करनी है, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस भी आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं, जो आपका कंज्यूमर है उसको किस तरीके से अवेयर करना है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है कौन से बैक्टीरिया की वजह से ऑर्गन फेलियर होता है, इकोलाई, ठीक हो गया। अच्छा फिर हमारे पास आ जाएगा नोरोवायरस, तो क्या है 10% ऑफ फूड बॉर्न इलनेसेस जो हमारे पास होती है नोरोवायरस होती है। हम जब छोटे थे नोरोवायरस इतना कॉमन नहीं था, हम जब अपनी टीन एज के अंदर आए थे नोरोवायरस बहुत कॉमन होना शुरू हो गया। जैसे अभी जो हमारे लिए जैसे कोविड एक नई चीज है, बट जो हमारे बाद वाली जनरेशन है, अल्लाह ना करे कोविड अगर रह गया हमेशा के लिए, तो फिर उनके लिए क्या होगा, ये बड़ी कॉमन सी चीज होगी, उनको कोई इतनी बड़ी वबा नहीं नजर आएगी जितनी हमें नजर आ रही, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो गई होगी, वो इम्यून हो चुके होंगे उसके लिए। जैसे अभी जैसे पोलियो की एग्जाम्पल ले लें, पोलियो की एग्जाम्पल ले लें, या फिर अभी जो नॉर्मल फ्लू है, दे वर डेंजरस, एक एरा था कि फ्लू से भी लोग मर जाते थे। अभी हमें क्या होता है, फ्लू होते हैं 5 दिन एंटीबायोटिक्स खाते हैं फिर बिल्कुल सीधे फिर रहे होते हैं, और ड्यूरिंग द फ्लू भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कोविड को भी ऐसा ऐसा आप लोग देख ले, लोगों को कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है किसी को, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, कुछ नए वायरस आते हैं फिर वो कॉमन हो जाते, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस है कि मल्टीप्लाई होते हैं इन लिविंग बट नॉट इन फूड, ठीक है। खाने के अंदर जाने के बाद इनकी लाइफ नहीं होती, इनकी लाइफ होती किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ये चले जाए, ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर या स्टमक के अंदर जब स्टे करते, इनको जिंदा चीजों की जरूरत होती है फॉर ग्रोथ, ठीक है। मिलियंस इन वॉमिट, ठीक है। रिलीज कहाँ होते हैं आपके पास, जो कोई नोरोवायरस से अफेक्टेड पेशेंट जो होते हैं उसकी बॉडी से रिलीज होते हैं, वॉमिट के अंदर हो सकते हैं, उसके स्टूल्स के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। बट वॉमिट क्या है, वॉमिट का एक्सपोजर बहुत होता है आपके पास, ठीक है। एयर बॉर्न है, पर्सन टू पर्सन है, ठीक है। अगर किसी एक रूम के अंदर किसी बंदे को ये वायरस है तो दूसरे को भी लग सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेडिकेशन जो होती है वो लो डोज देंगे हम लोग, ठीक है। इंक्यूबेशन इसका टाइम होता है 15 से 50 घंटे के अंदर अंदर ये जो है अपना एक्शन करना शुरू कर देती है, ठीक है। डायरिया एंड वॉमिटिंग और प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल है जरूर होंगी आपके पास, ठीक है, प्रोजेक्टाइल है इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। फॉर्चुनेटली क्या है, इसके फर्टिलिटी इज रेयर, ठीक है। इससे डेथ किसी की नहीं होती, तकलीफ बहुत देती है पर जो फर्टिलिटी रेट है वो रेयर है इसमें, ठीक है। बहुत कम उम्र या बहुत ज्यादा उम्र के लोग
या फिर रेयर केसेस हो सकते हैं, समटाइम कुछ लोग कॉप नहीं कर पाते बीमारियों के साथ, ठीक है, तो उनके अंदर डेथ हो सकती है, अदरवाइज इतनी कॉमन नहीं है इसकी वजह से डेथ, ठीक है। अच्छा, ट्रांसमिशन रूट ऑफ ह्यूमन नोरोवायरस इज टू द फूड विद एन एम्फेसिस ऑन ह्यूमन, कैसे हो सकता है, ह्यूमन से, ह्यूमन के फीसेस या उनके स्टूल से आएगा, फिर एयर के अंदर जाएगा, ठीक है। वॉमिट से क्या होगा, हवा के अंदर, लेट्स सपोज अगर ये जो जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, इनके जो जनरल वार्ड होते हैं उसमें हर किस्म का पेशेंट होता है, और वो आप इतने बीमार नहीं गए होते जितना बीमार हो गए, उधर से कुछ लोग वापस आते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि हर किस्म के लोग होते हैं और वहां पे कुछ ऐसी डिजीज हो सकती है, जैसे अब नोरोवायरस है वो एरोसोल है, अगर लेट्स सपोज बेड नंबर 1 को ये इशू है तो बेड नंबर 10 वाला बेचारा वैसे उसकी वॉमिटिंग के बाद एक्सपोज हो सकता है, ठीक है। हाथों से लग सकते हैं, हैंडशेक करने से किसी का, मतलब जो हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर अगर पेशेंट का अटेंडेंट उसके साथ उसी बेड पर बैठ रहे उठ रहे तो वो भी एक्सपोज हो सकते हैं, एनवायरमेंट से हो सकता है, ठीक है। पानी के थ्रू हो सकता है, ये सारी चीजें जाके फूड में मिक्स हो सकती है, ठीक है, बट क्या है, फूड से तो आगे ये नहीं फैलेगा आपके पास, ठीक है। सीवेज पोल्यूटेड वाटर, ठीक है, वही वाली एग्जाम्पल है, अगर हम फल और सब्जियों को वहीं से फर्टिलाइजेशन करें उसकी पानी के थ्रू या उसकी जो एरिगेशन करें उसी वाटर के थ्रू, तो हमारे पास आ सकते हैं स्नीजिंग और कफिंग से हो सकता है, जस्ट लाइक कोविड, ठीक है। इसके कंट्रोल मेजर ये हो सकते हैं कि आप उस पर्सन को जो है वो उसको क्वारंटीन कर दें उस पर्सन को, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, उसकी जो जितने भी चीजें वगैरह, उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी प्लेट, उसका टॉवल वगैरह सेपरेट कर दे, उसका वॉशरूम सेपरेट कर दे, ठीक है। क्रॉस कंटेमिनेशन रोकें, कुकिंग अच्छे तरीके से करें, ठीक है। ये वायरस कहाँ पे कॉमन है, क्लोज एरिया, क्लोज एरिया की एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हो, जो आपका अपने लाहौर में जो सिटी साइड है उसमें आपने देखा वो कोविड भी बहुत कॉमन था, ये भी वहां पे बहुत कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि क्लोज एरिया, शेडी एरिया, क्लोज एरिया जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं और सही तरीके से कोई सफाई सफाई का इंतजाम नहीं होता, तो वहाँ ये बहुत कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा जो क्लासरूम्स वगैरह कॉलेज, क्योंकि आप लोग तो खैर क्लासरूम्स बड़े हैं, बट ये होते हैं कि जो बाकी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके बड़े कंजेस्टेड से रूम वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी कॉमन है आपके पास, ठीक है। फिर लिस्टियोसिस है हमारे पास, लिस्टेरिया क्या है, मोनोसाइटोजीन है आपके पास, ठीक है। ये 1 से लेकर 3 महीने के अंदर इसका जो है वो इंक्यूबेशन का टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस 48 to 72 hours, मतलब 2 या 3 दिन तक ये आपको जोर दे सकता है, ठीक है। फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे इसके अंदर, माइल्ड से बुखार होगा, मतलब बहुत अजीब सी बॉडी के अंदर थकावट वाली फीलिंग आती है आपको, ठीक है। सेप्टिसेमिया और मेनिनजाइटिस हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेन की श्रिंकेज या ब्रेन इंक्रीज इन साइज हो सकते हैं आपके पास, ब्रेन की वेन्स की स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। अगर लेट सपोज कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो एबॉर्शन होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया अटैच टू प्लेसेंटा से प्रिवेंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी जो है उनकी एबॉर्शन हो सकती है, क्यों हो सकती है, तो ये प्लेसेंटा के साथ खुद को अटैच कर लेता है और उसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट आ रहा होता है उसका पैसेज को रोक लेता होता है। ग्रोथ रेट जिसकी होती है -1.5 to 42 degrees, ठीक है, मतलब ये गर्मी सर्दी दोनों में आपके पास बहुत आराम से स्टे कर सकते हैं, ये इंतहाई क्या है, खतरनाक किस्म का जर्म है आपके पास, सॉरी डिजीज है आपके पास, ठीक है। सोर्सेज इसकी क्या है, सोर्सेज इसकी सेम लाइक ऊपर वाले, ठीक है, इकोलाई वगैरह की तरह है, इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, एनिमल्स के भी और पर्सन के भी। सीवेज का जो गंदा पानी होता है उसकी वजह से हो सकती है, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकती है, अनपेस्टराइज चीज है और मैन्योर कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स हैं, जिन वेजिटेबल की एरिगेशन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर हुई हो, ठीक है। कंट्रोल में इसके भी वही वाले, आपने कुकिंग करनी है एक तरीके से, वॉशिंग वगैरह सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, ठीक है। जो बीमार बंदा है उसको एक्सक्लूड कर देना है कुछ अर्से के लिए, उसके अलावा ड्राई क्लीनिंग ऑफ दी सर्फेसिस करनी है आप लोगों ने जहाँ पे पानी वगैरह खड़ा होता है, ठीक है। फिर सबसे इजी डिजीज हमारे पास आ गई है टाइफाइड और पैराथाइफाइड, ठीक है। 3 days to 1 month आपके पास यूजली क्या करता है, ये आपके पास लास्ट करता है 8 to 4 days, ठीक है। ड्यूरेशन इसका 1 to 8 weeks होता है, बहुत लंबा कभी कभार टाइफाइड चला जाता है, महीना तो अक्सर टाइफाइड ले लेता होता है क्योर होने में आपके पास, ठीक है। तकरीबन 6 to 8 weeks आर कॉमन, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीवर होते हैं, मलेज होता है, अजीब से लिथार्जी और अजीब से मूड स्विंग्स होते हैं आपके पास, ठीक है। थका हुआ जिसम होता है और कुछ समझ नहीं आती आपके, ठीक है। ओरिएंटेशन भी खराब हो जाती है, कुछ इसी तरह कुछ अजीब और गरीब किस्म की चेंजेस बॉडी के अंदर आ रही होती हैं। पल्स रेट आपका स्लो चल रहा होता है। सबसे जो कॉमन क्लियर सिम्टम होती है टाइफाइड की वो होती है कि स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाती है, अपनी साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है आपके पास, ठीक है।
इसके अलावा अगर बुखार ज्यादा चला जाए तो जो ट्रंक क्या है ठीक है बॉडी का, मोस्टली बच्चों और टीनेजर्स के अंदर कॉमन होता है, उसके ऊपर रोजी स्पॉट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं ठीक है। और दो तरफ से इसकी सीवियरिटी ये कि कुछ लोगों को टाइफाइड सॉरी कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है ठीक है, ये भी डिपेंड करते हैं आपके पास ठीक है। वैसे मोस्ट कॉमनली आपके पास डायरिया होता है क्योंकि इसके अंदर वैसे भी आप लोगों को पता है कि जो टाइफाइड के अंदर आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है टोटली डैमेज जख्मी होती है इंसान की बॉडी अंदर से ठीक है। फर्टिलिटी रेट इसका 2 से 10% है ठीक है, अप टू 5% आर परमानेंट कैरियर ठीक है, 5% लोग ऐसे होते हैं कि जो परमानेंट कैरियर होते हैं। आप लोग देखो कुछ लोगों का टाइफाइड खत्म नहीं होता, मतलब या तो उनको थ्रू आउट द सीजन टाइफाइड नहीं होता बट एक सर्टन टाइम पे आके, मतलब मेरा अपना भाई है उसको हर सेप्टेम्बर में टाइफाइड हो जाता है हर सेप्टेम्बर में ठीक है, तो वो परमानेंट कैरियर होते हैं जो सर्टन टाइम ऑफ द ईयर उनको वो आपके पास टाइफाइड आ जाता है ठीक है। सोर्सेज इसके भी वही है, कैरियर्स ठीक है जो जो लोग कैरी करते हैं ठीक है उनसे बच के रहना चाहिए, कंटेमिनेटेड वाटर हो सकते हैं ठीक है, इसके अलावा फूड और सीवेज वगैरह हो सकते हैं, इसके अलावा जो गंदा खाना वगैरह रेंडर्स वगैरह का होता है वो भी कॉमन आपके पास प्रॉब्लम है ठीक है। कंट्रोल मेजर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड हाइजीन ठीक है, हम लोगों को फूड को अच्छे तरीके से एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर साफ सुथरा करके रखना चाहिए ठीक है। जो भी कोई अगर कोई स्पिलेज या डर्बिस वगैरह फूड के ऊपर या फूड वाले एरिया पैकेजिंग एरिया के अंदर है तो उसको भी क्लियर कर दें ठीक है। जहां पे आप काम करते हो ठीक है, लेट सपोज हम घर की एग्जांपल लेंगे, जो आपके किचन की शेल्फ वगैरह होती हैं उसको आप लोगों ने क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना होता है, उसको साफ रखना होता है ठीक है। इसके अलावा जो वॉश कुकिंग एंड ईटिंग यूटेंसिल्स थ्रू ठीक है, मतलब सुस्ती नहीं दिखानी होती कि टिश्यू से साफ करके जिस तरह उसको रखने, नहीं आपने उसको प्रॉपरली से साफ करने ठीक है। ब्रीडिंग साइट्स मैंने बिल्कुल लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था कि जो खड़ा पानी होता है आपके पास, ये जो शेडी या मार्शी एरियाज होते हैं आपके पास ठीक है, उन जगहों को आपने साफ सुथरा रखना होता है, ये आपके पास मोस्टली ब्रीडिंग साइट्स बन जाती है ठीक है। कॉन्टेक्ट ए प्रोफेशनल, तो एक प्रोफेशनल आपके पास आजकल लाहौर में एक चल रहा है पेस्ट एंड माइट्स के नाम से कुछ इस तरह कुछ है, वो एक ब्लू कलर की वैन होती है, वो घरों में जाके या फिर इस तरह के एरियाज के अंदर जाके उनकी हाइजीन और उनकी सफाई का ख्याल रखते होते हैं ठीक है। तो किसी प्रोफेशनल को बुला ले, हैकअप वाले को, या अगर आप कार्टून वगैरह में देखा होगा ना रॉड एंड कंट्रोल वाले आते हैं, अगर आप लोगों ने रेटाटूली देखा हो तो उसके अंदर क्या होता है, वो होटल के अंदर जब बहुत माउस ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो रॉड एंड कंट्रोल वालों को बुलाते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्पेशलिस्ट लोग, कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनका काम यही होता है, तो उनको भी कॉल करके उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए हमारे पास क्या होता है, इनक्यूबेशन टाइम इसका 15 से 50 डेज के अंदर होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है इलनेस का वो आपके पास 15 दिन से लेकर 25 दिन या पूरे 30 दिन आपके पास इसकी ड्यूरेशन हेपेटाइटिस की रह सकती है, अगर आप दवाई ले रहे हैं। अगर आप दवाई नहीं ले रहे तो इट विल टर्न इन टू सम अदर थिंग, बी फॉर्म में चला जाएगा, फिर सिरोसिस वगैरह, और फिर वो एडवर्स होता चला जाता है ठीक है। सिम्टम्स इसकी ऑलमोस्ट है उसकी तरह ही है टाइफाइड की तरह, फीवर होगा, मलेज होगा, नॉजिया, वॉमिटिंग वगैरह, एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है ठीक है। लेटर ऑन जॉइंटस भी हो सकता है ठीक है, या तो जॉइंटस है, असल में ये ना इंटरचेंजेबल है, जॉइंटस हेपेटाइटिस में चेंज हो सकता है और हेपेटाइटिस जो है वो जॉइंटस में भी चेंज हो सकता है आपके पास ठीक है। टाइप ए वायरस थ्रू फूड एंड ब्लड, अच्छा जो हेपेटाइटिस ए होता है ये इन्फेक्टेड इंजेक्शंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या फिर खाने के थ्रू होते हैं आपके पास ठीक है। ड्यूरेशन 1 week to 7 months हो सकते हैं आपके पास ठीक है। फर्टिलिटी रेट इज less than 1%, इतना ही खतरनाक नहीं है अगर इसका बर वक्त इलाज करवाया जाए ठीक है। सोर्सेज इसके भी वही है, कुछ कोई कैरियर लोग हो सकते हैं, गंदा पानी और शेलफिश और जो रॉ सैलड है, मिल्क एंड सॉफ्ट फ्रूट ठीक है, मैंगोज ठीक है, मैंगोज की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सॉफ्ट फ्रूट में। कंट्रोल फैक्टर इसके क्या हो सकते हैं, हमारे पास सेफ वाटर सप्लाई ठीक है, लाहौर में तो इतना इशू नहीं है बट आप कराची और इंटीरियर सिंध की तरफ जाएं तो वहाँ पे वाटर सप्लाई क्लियर नहीं है और वहाँ पे हेपेटाइटिस के पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं आपके पास। उसमें क्या होता है कि जो पानी इरीगेशन के लिए आ रहा होता है, जो सीवेज वाला होता है, जो पीने वाला होता है, वो तीनों साथ आ रहे होते हैं, और क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है, सी है, तो सी की वजह से जो हवा चलती है उसके अंदर सॉल्ट होती है, जिस हवा के अंदर सॉल्ट होती है वो वहां पे क्या करती है, वो जिंक कॉज करती है, जंग लगा देती होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रस्टी पाइप्स की वजह से सीपेज के चांसेस ज्यादा होते हैं ठीक है। इसके अलावा आप मिल्क को अच्छे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करें ठीक है,
कैरियर्स को रिमूव करें, ग्रेड्स को रिमूव करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको मार दें, बट ये होता है कि उसको एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो अपनी दवाइयाँ वगैरह कम्प्लीटली खा लें तो वो नो मोर देयर कैरियर्स, ठीक है। हाथ अच्छी तरीके से धोएं, ठीक है। शेलफिश वगैरह अगर लाइक सपोज हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है, बट जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो क्या करें, वो अवॉइड करें, ठीक है। इफेक्टिव क्लीनिंग ऑफ सैलड एंड वेजिटेबल, लेट्स सपोज अगर आप कच्ची सलाद खा भी रहे हैं तो उसकी सही तरीके से प्रॉपर कटिंग एंड वॉशिंग एंड चॉपिंग करें, ठीक है। अच्छा, डिसेंट्री जिसको उर्दू में हम लोग पेचिश भी बोलते हैं, ठीक है, शिजेला सिनाई की वजह से आपके पास होता है, या जो शिजेला फ्लेक्सिनाई की वजह से होता है, ठीक है, 1 से लेकर 7 दिन तक होता है यूजली, और 4 दिन भी हो सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन इसकी जो स्टे टाइम है बीमारी की, वो आपके पास 2 से लेकर 16 दिन तक होते हैं। 16 दिन तक अक्सर छोटे बच्चों के अंदर चला जाता है, ठीक है। बड़े लोगों का ये होता है क्योंकि वो मेडिकेशन प्रॉपरली कर रहे होते हैं, और अगर वो अपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करें तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं 3 से 4 दिन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डायसेंट्री के अंदर ये होता है कि इसके अंदर ब्लड के साथ म्यूकस भी होता है। मैंने ऊपर भी आप लोगों को बोला था कि डायसेंट्री का जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये कि उसके अंदर म्यूकस होता है, ठीक है। इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, स्टमक क्रैम्प्स होंगे, और वॉमिटिंग कॉमन होगी इसके अंदर, ठीक है। डेथ रेट इसका भी less than 1% है, ठीक है। शिगेला सिनाई इज मोर लाइकली टू बी फैटल देन शिगेला फ्लेक्स, ठीक है। जो सिनाई वाला होता है उसके अंदर ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अंदर से ब्रूजिंग हो जाती है पेशेंट की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है, उस वजह से होता है। आउटब्रेक इज कॉमन इन इन्फेंट, जो नए न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं ना उनके अंदर ये बहुत कॉमन होती है आपके पास, ठीक है। फीकल और रूट्स है, ठीक है, एरोसोल भी है, फीकल रूट से भी हो सकते हैं। सोर्सेज इसके हैं इन्फेक्टेड पीपल, छोटे वाले बच्चे, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर कंट्रोल इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, उन्हें कैरियर्स को क्या करना होता है, थोड़े कुछ दिनों के लिए उनको अलग करना है, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट एरिया करना है, क्योंकि ये इतना ही डेंजरस है आपके पास, ठीक है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, शेलफिश अगर है, अगर आप लोग खाते हैं तो उसको एलिमिनेट करना है, और वही वाली चीजें बार बार वही चीजें डिस्कस हो रही हैं, दूध को सही तरीके से ट्रीट करिए, करे वो करे, ठीक है। ब्रुसिलोसिस क्या है, ब्रुसिला एब्रोटिस आपके पास एक डिजीज, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये कब होता है, अनरेजेंट फीवर है, ठीक है। अनरेजेंट फीवर मतलब अजीबोगरीब सी कंडीशन होती है, ठीक है, आपके पास सही तरीके से बुखार होता है भी या नहीं भी होता आपके पास, ठीक है। 5 से 21 दिन तक इसकी आपके पास जो है वो टाइमिंग है, ठीक है। फ्लू लाइक सिम्टम्स होती है इसकी भी, ठीक है। ऊपर हमने जैसे लिस्टेरियस का पढ़ा था उसमें भी फ्लू लाइक सिम्टम्स थी, इसकी भी फ्लू लाइक सिम्टम्स है, ठीक है। इंटरमिटेंट फीवर होता है आपके पास, बुखार आता है, चढ़ता है, उतरता है, ठीक है। एक्सटेंडेड डिप्रेशन और हेडेक होता है, ठीक है। अजीब सी पेशेंट की कैफियत होती है आपके पास, डिप्रेशन हम लोग उसको बोल सकते हैं कि मतलब उसकी फोकस नहीं होता, और अजीब से उसकी ऑरियंटेशन ठीक नहीं होती, डिसऑरियंटेड से होता है पेशेंट आपके पास, ठीक है। सोर्सेज इसकी भी वही है, ठीक है, क्रॉस कंटेमिनेशन है, इन्फेक्टेड मिल्क है, और इसके लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसकी वजह से हो क्या सकता है, एबॉर्शन हो सकते हैं और इनफर्टिलिटी इन मेल्स हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा टीबी, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम बोविस, 2 किस्म के आपके पास ये बैक्टीरियाज हैं। 4 to 6 weeks later stages में takes years, ठीक है। ये अफेक्ट क्या करता है आपके पास, मतलब कभी कभार ये होता है टीबी एक बंदे के अंदर होती है, उसको पता नहीं होता, काफी सालों बाद जाके उसको पता चलता है, ठीक है। अफेक्ट लंग्स, बोन्स, लिम्फ नोड जितने भी होते हैं, ठीक है। किडनीज को अफेक्ट कर सकते हैं, इंटेस्टाइन और स्किन को भी अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता था टीबी सिर्फ और सिर्फ लंग्स की नहीं होती, टीबी हड्डियों की भी होती है। टीबी आपके पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स मोस्ट कॉमनली वो वाले जो आपकी जो नीज के नीचे जो स्पेस है, जो आपके आर्मपिट्स के नीचे जो स्पेस है, इसके अंदर वाले जो होते हैं, ठीक है। किडनीज के ऊपर भी अफेक्ट कर सकते हैं आपके पास, ये किडनीज में वाटर रिटेन हो जाता है आपके पास, ठीक है। और स्किन की भी टीबी होती है आपके पास, और बहुत कॉमन है आजकल, ठीक है। सोर्सेस क्या है, इन्फेक्टेड एनिमल्स, रॉ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली जितना मैंने स्टडी किया ट्यूबरकुलोसिस का, जो बकरी और शीप्स वगैरह का जो दूध यूज करते हैं, स्पेशली हमारे पास जो ऊपर के ये जो कोहिस्तान वगैरह वाले जो इलाके हैं ना, इधर टीबी बहुत कॉमन है। एक तो ठंड बहुत ज्यादा होती है, ठंड में ये वाले बैक्टीरिया होते हैं, सेकेंडली वो जो दूध यूज करते हैं वो गोट्स एंड शीप्स का करते हैं, तो उस वजह से भी बहुत कॉमन है उनके अंदर, ठीक है। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रॉ मिल्क पीना छोड़ दें, और डेयरी प्रोडक्ट जो कि कच्चे दूध से बनी होती है, पेस्चराइज नहीं होती, जैसे अनपेस्चराइज चीज की एग्जाम्पल हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। और कौन सी डिजीज है जो हमारे पास ओरल रूट से आ सकती है, विच इज नॉट कॉज बाय बैक्टीरियल वायरसेस, बोवाइन स्पंजिफोरम एनसेफेलाइटिस, ठीक है। बीएससी, ठीक है, याद होगा टॉक्सिकोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। इसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है।
ट्रांसमिसिबल है आपके पास, ट्रांसमिशन मोड इसका क्या है कि आप अगर उस काउ का जो है वो मीट खा ले, ठीक है। फेटल है आपके पास क्योंकि ये न्यूरो डिजेनरेटिव है, आपके ब्रेन का काम करना छोड़ देते हैं। इसका जो इसकी माइनर सी फॉर्म होती है मुझे उसका नाम नहीं आता, ये चिकन के अंदर भी कॉमन है, चिकन होते हैं ना मुर्गियां उनके अंदर भी कॉमन है ये, ठीक है। डिजीज ऑफ कैटल डेट मे पास टू ह्यूमंस इफ ईट इन्फेक्टेड फ्लैश, ठीक है। इट्स लाइक जैसे जोम्बी जोम्बी को जोम्बी जो नॉर्मल पर्सन को खा ले तो वो इन्फेक्शन फैल जाती, तो ये उस तरह की ही इन्फेक्शन है, ठीक है, जो बोवाइन स्पंजिफोरम है। इसकी एक और फॉर्म होती है कुरु, ठीक है, वो भी एक डिजीज है, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे। वो तो बिल्कुल ही आपको वो ह्यूमंस के अंदर कॉमन है, ये तो एनिमल से आती है ना, जो BSE है वो बाकायदा ह्यूमन से जनरेट होती है वो वाली डिजीज, ठीक है। स्पंजिफोरम डिजनरेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर होता है कि ये ब्रेन के अंदर जाती है। लेट सपोज कोई काउ का एक्सपोजर हो गया है इस बैक्टीरिया के साथ, ठीक है, उसने वो सिस्ट जो थी वो घास के अंदर ले लिया, वो इंजेस्ट होगी उसकी बॉडी के अंदर, कुछ दिन वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगी और फिर वो अपने टारगेट को हिट करेगी। टारगेट क्या है? ब्रेन है। ब्रेन के अंदर जाएगी, ब्रेन के अंदर जाके पहले तो वो होल्स बनाना शुरू करेगी ब्लड क्लॉट्स टाइप के, फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद क्या होगा, जो गाय का दिमाग है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल बी टर्न इन टू अ फॉर्म ऑफ फोम। जैसे आपके पास स्पंज होता है ना, होल सा सूखा सूखा सा बर्तन धोने वाले जो स्पंज होते हैं आपके पास, ये जो स्कूल में डस्टर्स होते थे उसकी एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, या जो मैट्रेस होता है, ठीक है, गद्दा जो आपके पास होता है, ठीक है, बिल्कुल ब्रेन उसकी तरह हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, हॉलो सा हो जाता है, ठीक है। और जो गाय वगैरह होती है वो मैड हो जाती है फिर, ठीक है, अगर आप वो गोश्त खाएंगे तो वो मोस्ट कॉमनली वो जाके वो ह्यूमन के अंदर भी वही सिम्टम्स अपीयर करेंगे, ठीक है। बहुत पहले की बात है, बहुत मतलब कोई मुझे लगता है कि 1775 की कोई बात होगी, एक स्टोर, क्योंकि मैंने तो बुक्स में पढ़ा, उसमें ये था कि मैकडोनल्ड्स वालों पे फिर केस भी बना था कि उन्होंने कुछ इस तरह से किया था कि मैड का उसको ला के उसको उसकी स्लांटरिंग की थी, फिर वो बर्गर्स वगैरह बने थे, और US में बड़ा फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम वगैरह इशू कोई बन गया था, ठीक है। ब्रेन क्या होता है, इसमें श्रिंक जो होता है, डिटोरिएशन होकर रैपिडली, ठीक है, दिमाग सुकड़ना शुरू हो जाता है बेसिकली। ब्रेन सेक्शन शोइंग द स्पंजिफोरम पैथोलॉजी, ठीक है, ब्रेन के अंदर इस तरह से होगा। ये रियल में आप देखें तो ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को, ये इस तरह से इसका मजा नहीं आता देखने का, ठीक है। Bovine spongiform encephalopathy is vertical transmission होती है cattle to calf and fecal transmission होती है, ठीक है। Giardiasis भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि वो एक cyst है and feces to water to human, ठीक है, cyst होती है फिर वो humans water से जाती है human के अंदर, उस तरह से ये cycle चलता रहता है, ठीक है। बीच में trypanosomes बनते हैं, ठीक है। 6 to 22 days इसकी incubation time होती है, 22 days के अंदर या फिर 20वें 21वें दिन के अंदर आपके पास, या फिर हफ्ते 7 दिन के बाद ही सिम्टम्स थोड़े बहुत शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्रिप्टोब्रोडोसिस होता है इसके अंदर, ठीक है, 10 days, ये भी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इसी 10 days की इंक्यूबेशन होती है, इट इज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द सिस्ट इन वाटर, ठीक है। कुरु डिजीज का मैंने आप लोग ऊपर बताया, कुरु इज वेरी रेयर डिजीज एंड इट इज स्प्रेड ऑरली, ठीक है, कॉज बाई द इन्फेक्शियस प्रोटीन, ठीक है। ये क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शियस प्रोटीन चला जाए, ठीक है, प्रायर इज लाइक टू CGD, द प्रायर इज फाउंड इन कंटेमिनेटेड ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है कि कंटेमिनेटेड ह्यूमन ब्रेन की खाने की वजह से होता है, ठीक है। अमेजोन आप लोगों को पता होगा ना, अमेजोन का उधर कुछ इस तरह ट्राइब्स हैं जिनके बड़े अजीबो गरीब किस्म के रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें इसी तरह है कि एनर्जी एंड वाइटल फोर्स ऑफ डेथ, ठीक है, उनके एक रिचुअल है, उनका एक ट्राइब है, वो क्या करते हैं उनके हाँ जब कोई बहुत ही बुजुर्ग की डेथ होती है, ठीक है, लाइक किसी घर के किसी को दादा या परदादा की डेथ हो जाती है, तो वो कहते हैं कि ये इतने इयर्स रहे हैं और इनके पास बड़ी नॉलेज होगी ये वो, तो वो क्या कहते हैं, वो लोग ब्रेन खाते हैं, उस ब्रेन ईटिंग की वजह से उनको नहीं पता, हो सकता है किसी का ब्रेन जो है वो इन्फेक्टेड हो, तो उसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। रेयर इसलिए कि सिर्फ उसी ट्राइब के अंदर इस तरीके से होता है, हर ट्राइब या हर जगह के लोग नहीं करते होते, ठीक है। ये आप ये जो स्लाइड है ना इसके ऊपर, ये जो जिनेवा न्यू जिनेवा और ये एरियाज है, ये आप उठाएं, आप सर्च करें, आपके पास अमेजोन की डिफरेंट ट्राइब्स की डिफरेंट हैबिट्स निकल आएंगी, बड़े मजे का काम होता है। अगर आप ये पढ़ने बैठे ना तो आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है, तो इसको आपने आज स्टडी करना है, कोई डिजीज को इसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। पैरासाइट्स के थ्रू भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल होता है पैरासाइट्स का, आप लोगों को पता है क्योंकि वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, टेनिस एक नेता है
ऑर्टिचिनेला स्पाइरल्स हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। टेनिसी की नीता क्या होता है, हमारे पास वॉर्म्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं, ठीक है। बीफ टैप वॉर्म होता है, जूनोटिक टैप वॉर्म हो सकते हैं, इसके अलावा इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स इन ह्यूमन है, टेटनेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है, इट इज अ टाइम ऑफ फिलिपिनेसिस है। और इसके अलावा सिस्ट बन सकती है, सिस्ट के थ्रू सिस्टियासिस है, वो सिस्ट के थ्रू सिस्ट बनती है और वो सिस्ट जो है वो स्प्रेड आउट करती है। बट इट्स लाइक इसकी केमिस्ट्री या इसकी फिजियोलॉजी हम लोग बोलेंगे बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके पास कोई बर्ड जो है वो ब्रश करती है और उसमें से डिफरेंट किस्म के स्पोर्स निकलते हैं और वो फिर एनवायरनमेंट के अंदर फैल जाते हैं, तो इसका भी वही वाला सीन है आपके पास, ठीक है। कैटल जो बेसिकली है वो इंटरमीडिएट होस्ट है, आपके पास वाटर है, कैटल है, फिर एनिमल में आपके पास आएगा, ठीक है। टेनिस एग्निटा क्या है, बीफ टैप वॉर्म है आपके पास। और फिर यहाँ पे कुछ हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है, कि किस अरसे में कितने, क्योंकि ये पुराने 2009 तक के हैं हमारे पास, ठीक है, कि किस तरह से केसेस जो थे वो हमारे पास डिवेलप हो रहे थे और कब ज्यादा हो रहे थे और कब कम हो रहे थे। सबसे ज्यादा हमारे पास केसेस का रेशियो जो पाया गया था वो तकरीबन 2001 एंड 2002 के बीच में था, ठीक है। एंड खत्म आप लोगों का लेक्चर, आज का लेक्चर मुझे लगता है थोड़ा सा टेक्निकल था, बोरिंग तो नहीं था, समझ आ गई थी? यस मैम। अगर नहीं आई तो फिर भी मैं जो कल वाले लेक्चर के बाद जो होती है रिकॉर्डिंग डालूंगी कल वाले लेक्चर की, वो थोड़े इस टाइम ये होता है कि मैं थकी हुई होती हूँ तो मुझे लगता है मैं 5 बजे वाला लेक्चर इतना अच्छा नहीं देती, और जो नेक्स्ट डे वाला होता है उसमें थोड़ा, क्योंकि वो मॉर्निंग में होता है तो उसमें थोड़ी मैं फ्रेश होती हूँ, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग वो वाली अपलोड करती हूँ हमेशा, ठीक है। बाकी हम आ जाते हैं, अभी अटेंडेंस पे 6 बज गए तो अटेंडेंस पे आ जाते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम मैम, डिसेंट्री को उर्दू में क्या कहते हैं? बेटा पेचिश बोलते हैं, जितना मुझे आईडिया है, जितना मैंने हॉस्पिटल में सुना है, ठीक है। मैम आपसे बात, मैम आपसे क्विज की बात करनी थी कि वो नेक्स्ट वीक में हो सकता है हमारा? क्या बोल रही हैं मैम? क्विज की बात करनी थी कि वो नेक्स्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि हमारा 5 को ना माइक्रो का क्विज है और उससे पहले भी हमारे कंजेक्टिव हो रहा है, नेक्स्ट वीक से तो हो सकता है, आप लोग ऑन कैंपस आ जाते, देख लें, ऑन कैंपस टफ होगा फिर। मैम ले लेंगे ऑन कैंपस। हाँ ऑन कैंपस ही होगा, ऑन कैंपस आइडियाज बहुत है। मैम इस तरह फिर हॉस्टलाइट्स का भी इशू होगा ना, कंसेक्यूटिव क्विजेस हैं तो फिर वो कैसे करेंगे मैनेज आने को और क्विजेस को? बेटा हर हर सेमेस्टर में आप लोगों का यही इशू होता है, अब तो आप लोगों को ना इसको प्रो हो जाना चाहिए कि हम लोगों ने एक टाइम इतनी सारी चीजें कैसे डील करनी है। मैम हमें वीकेंड्स पे हॉस्टल भी आना होगा तो हम लोगों को सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी तो ओपन हो जाए ना फिर, आप अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया यूनिवर्सिटी का कि ओपन हो रही है कि नहीं हो रही। स्कूल के बच्चों को जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसी वक्त उनको नोटिफिकेशन आ गई कि भाई आपके स्कूल जो है वो 7 से खुल रहे हैं, आप लोगों को तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आई, तो आप लोग कैसे प्लान करके बैठे हैं आप लोगों ने आने? नहीं मैम हम दे देंगे संडे को। मैम हम दे देंगे, आप ले लें प्लीज। मैम संडे की टाइमिंग्स क्या है? मेरी टाइमिंग अभी मैंने नहीं डिसाइड किया आप लोग की, बट मैं ऐसे टाइम में रखूंगी कि आप लोग के पास ये बहाना भी नहीं होगा कि हम लोग रास्ते में थे या वो थे या ये था। मैम प्लीज मॉर्निंग का रख लीजिए, सारी टीचर्स में काफी प्लान्स वगैरह होते हैं। इस सिचुएशन को देख के आप लोग के क्या प्लान्स होते हैं, चलिए थोड़े टाइम मत वेस्ट करें, अटेंडेंस अब्दुल रहमान प्रेजेंट मैम, आफिया फारूक प्रेजेंट मैम, अफीफा सजाद, ईमन नसीर प्रेजेंट मैम, आयजा हाशमी प्रेजेंट, आयजा राशिद प्रेजेंट मैम, अमीरा इरफान प्रेजेंट मैम, अमीरा इरफान प्रेजेंट, अमीना मुनीर प्रेजेंट मैम, आमना नाज, अनम सईद असलम प्रेजेंट मैम, अनिला नासिर, अक्दस इकबाल प्रेजेंट मैम, अक्सर जावेद प्रेजेंट मैम, अरीबा आसिम प्रेजेंट, अरीबा जमील प्रेजेंट मैम, अरीज आसिफ प्रेजेंट मैम, अरीज रबानी प्रेजेंट मैम, अरूज गुल प्रेजेंट, अतिया अशरफ
Present ma'am. Yes, Khan. Present ma'am. Aisha Hassan. Present ma'am. Jamshed. Aisha Mughal. Present ma'am. Aisha Rizwan. Present ma'am. Aisha Sumaiya. Present ma'am. Imanikwa. Asghar Tariq. Present. Asghar Rahman. Present. Bashair Ashraf. Binish Ishaq. Present ma'am. Iman Taqeer. Present ma'am. Ishat Razia. Present ma'am. Iman Anwar. Present ma'am. Faisal Manzoor. Present ma'am. Faizan Ikram. Fatima Azhar. Present. Fiza Naveed. Present ma'am. Bule Lala. Present. Gulshan Saleem. Present ma'am. Hafsa Laiba. Present ma'am. Hazrat Tariq. Present ma'am. Hamna Tahir. Hazrat Saleem. Hina Abbas. Hina Arshad. Present ma'am. Hira Tabassum. Present ma'am. Uma Ijaz. Present ma'am. Humaira Saeed. Present ma'am. Razwar. Present ma'am. Ikra Bashir. Present ma'am. Ikra Qasim. Present ma'am. Ikra Rafiq. Present. Isma. Present ma'am. Isma Khalid. Present ma'am. Ahmed. Present ma'am. Javeri Atik. Present. Kainat Riaz. Present. Khadija Akbar. Present. Konain Fatma. Present ma'am. Laiba Safaraz. Present. Mahal Mahmood. Present ma'am. Faham Fatma. Present ma'am. Manur Khan. Present ma'am. Maruf Tahir. Present. Maisra Javed. Present ma'am. Malika Alia. Present. Manahil Kashif. Present. Maryam Rashid. Present. Maryam Saab. Present ma'am. Maryam Majid. Present ma'am. Maryam Naz. Present ma'am. Mubeen Tanveer. Present ma'am. Amina Asif. Present ma'am. Muhammad Hamid. Present ma'am. Muhammad Shehbaz. Munazza Zahir. Present ma'am. Nabia Tahir. Present ma'am. Neha. Present ma'am. Nimra Naqvi. Present. Nimra Shahzad. Noor Fatma. Present ma'am. Oshin Sajid. Present ma'am. Razia Naeem. Present ma'am. Rabia Ali. Rabia Habib. Rabia Salman. Ma'am, Rabia Salman present at the mic in counter. Raghad Abdulrahman. Ramesh Shaukat. Rawan Nadeem. Present. Razia Batul. Present ma'am. Rehman Tariq. Present ma'am. Rimsha Rashid. Present ma'am. Rizwanul Haq. Present. Sabah Arshad. Present ma'am. Sadaf Ilyas. Present ma'am. Saira Mehboob. Samira. Present ma'am. Sana Shehzadi. Present ma'am. Sara Ali. Present. Savera Nasir. Present. Sharon Kamal.
Sidra Abbas. Sobia Mansoor. Present, ma'am. Soha Amir. Sayyida Bisma. Present, ma'am. Present. Sayyida Dua. Sayyida Ghanwa. Present, ma'am. Sayyida Mamna Ali. Sayyida Noorulayn. Present. Takreem Hamid. Present. Tehreem. Present. Tehreem Ikram. Present. Firza Anwar. Present. Aruj Afzal. Present, ma'am. Ushna Nasser. Present, ma'am. Usman Anwar. Present, ma'am. Varda Fatma. Varda Mustaqeem. Present, ma'am. Zain Iftikhar. Yes, ma'am. Zainab Imran. Present, ma'am. Zeenat Mehboob. Sorry, Zainab Mehboob. Zeenat Anwar. Zeenat present. Zeenat present. Ziya Fatma. Fatma. Present. Zuha Ahmed. Present, ma'am. रहती तो नहीं है किसी की मैम आयशा जब शेद प्रेजेंट है उसने बोली है कि उसका माइक नहीं चल रहा मैम हमना ताहिर कहाँ थी आप हमना मैम मैं इधर ही थी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मैंने ग्रुप में भी बताया था और तो किसी की नहीं है ना मैम अफीफा अफीफा आपकी देर थी फिर जवाब नहीं होता आप लोगों के पास मैम चलिए बेटा क्लास लीव कर सकते हैं आप लोग